ने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। आज बड़े दिनों बाद कोई टीवी देखने का मौका मिला भाई, एक तो हर वक्त न्यूज के चैनल लगे हुए भाई। नाजरीन आपको एक तबाहकुन खबर देने जा रहे हैं, पाकिस्तान आए हुए माहिर अद्वियात और आसार कदीमा की टीमों ने इस बात का इंकिशाफ किया है कि आज से कई हजार साल कबल दौरे चलाकू खान और तहजीब बदनवानियात के कमाए गए हजारों खजाने हमारे ही शहर और इसी इलाके में मौजूद हैं। माहिरीन के मुताबिक जिसको भी ये खजाना मिलेगा वो अकेला पूरी दुनिया का मुकाबला कर सकता है। ये जानने के लिए देखते रहे अपने आस पास खजाने की तलाश। जानी तूने आज क्या सुन लिया भाई, खजाना वो भी इतना सारा इस शहर में, बल्कि मेरे इलाके में। अभी बच्चू भाई को बता दो, बच्चू भाई। अरे बाबा कितना काम था कल बाबा, हम तो बच्चू भाई। सीमा मैडम। अरे बाबा क्या हो गया, बाहर आग लग गई है क्या? नहीं, अभी नहीं लगी, लेकिन लग जाएगी। लगता है तुम ही लगाएगा बाबा, जो तुम्हें पहले से पता है। ओफो बच्चू खामोश भी हो जाए, तुम बताओ क्या हुआ जो इससे भाग भाग के कमरे में आयो? मैडम खबर ही कुछ ऐसी है, आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। बाबा वापस कब आएंगे? क्या बाबा होश? बच्चू एक सेकेंड तुम बताओ क्या हुआ। थैंक यू मैडम, असल बात ये है कि अभी मैंने टीवी सुबह ऑन किया ना। ये बात है खजाना चलाकू खान तहजीब बदउनवानियत। जी जी जी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया और कुछ नहीं, ये तुम दिन में सोना बंद करो अपना। हाँ बाबा, बल्कि तुम सोना ही छोड़ दो, तुम्हारी बातें जो ना अजीब अजीब सी है। आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा, मैंने खुद टीवी पे देखा है। बाबा आप तो बिल्कुल ही यकीन नहीं आ रहा है, चलो जाओ जाकर कोई काम करो। और हाँ बाबा, वो जाओ जाकर मेरे दोस्त आने वाले, उनके लिए चाय पानी का इंतजाम करो। बाबा बाबा इसको कोई काम दिया करो, कल भी सारा काम जरी ना किया। काम आपने बाबा, चाय बनाना काम है बाबा, चाय तो कोई भी बना सकता है। वहाँ का मौसम, वहाँ की आबोहवा इतना हसीन है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती, मैं तो अभी तक ख्वाबों में खोई हुई हूँ यार। मैं तो इस बार ज़रूर जाऊँगी अपने हस्बैंड के साथ, मैं भी सोच रही हूँ कि बस इस बार जाना चाहिए। यार मेरे ख्याल से तो ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर जाना चाहिए। फिर सीमा तुम कब जा रही हो अपने हस्बैंड के साथ? मैं बस जल्दी चली जाऊँगी। इस बेचारी के तो प्लान ही बनते रहते हैं सिर्फ। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कोई बेचारी नहीं हूँ, हमारा अपना बिजनेस है, जब दिल चाहे जा सकती हूँ। जितना बड़ा तुम लोगों का बिजनेस है उससे ज्यादा कंजूस है तुम्हारा हस्बैंड। यार वैसे इस खजाना सीमा को मिल जाए तो बेहतरीन हो जाएगा। खजाना? कौन सा खजाना? हाँ तुम्हें नहीं मालूम? अब जानी ने मुझे कुछ बताया था लेकिन मैंने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया। भाई उसके नाम की लाज रख के उस पर यकीन कर लिया करो कभी तुम। हाँ बट प्लीज सही बताओ, क्या ये खबर सही है? हाँ अब तक तो सबको पता चल गया होगा, खजाना है वो भी हमारे इसी इलाके में, एक तुम ही हो जो भोली बन रही हो। काश ये खबर सच हो और वो खजाना मुझे मिल जाए। अब इस चक्कर में पूरा घर मत खोद देना तुम। ऐसी भी कोई बात नहीं है, पागल थोड़ी हूँ मैं। बच्चू अगर तुझे खजाना मिल जाए तो तू क्या करेगा? अरे बाबा कोई खजाना बजाना ही नहीं है, तुम भी जो है ना जानी की बातों में आ गया है बस। ओ भाई तेरे लिए तेरी दुनिया ना सिर्फ जानी तक महदूद है, हमारे पास खबरों के और भी जरा हैं, समझा? हर तरफ ये आंख की तरह फैली हुई है खबर और तुझे यकीन ही नहीं है। अच्छा बाबा चलो तुम लोग कहते हो तो मान लेता, लेकिन तूने ये तो बताया ही नहीं कि तुझे खजाना मिल गया तो तू करेगा क्या उसका? अरे बाबा करना क्या है, पूरी दुनिया को बाबा बाड़ा बना दूंगा, हर तरफ पैसे ही पैसे होंगे। अल्लाह करे तुझे खजाना कभी मिले ना। अरे बाबा कैसे लोगो,
बद्दुआएं देते हो। चाय पिलाने वाला था पापा, अब नहीं पिलाऊंगा, आओ तुम अगली दफा फिर देखना। अबे आराम से भाई, आराम से, आराम से दम तो लेने दे, इतनी बजा रहा है कि अरे। अस्सलाम वालेकुम। ले भाई, आज तो कोई इज्जत ही नहीं है, चलो। अरे बाबा सही, आप फिर आ गए। अरे बाबा तेरे को तो इसका गम है कि मैं फिर कैसे आ गया। नहीं नहीं बाबा, वो असल में ना आप इतने जीत है ना कि हम कुछ भी बोलते रहते हैं, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या मतलब? मतलब ये कि आप हमसे बहुत मोहब्बत करते ना, आपको हमारी बातों से कोई परवाह ही नहीं है। हाँ बाबा ये बात तो है, मैं तुम लोगों से बहुत मोहब्बत करता हूँ। असीमा बेटा तुम तो खुश हो ना, थोड़ी खोई खोई सी लग रही, क्या बात है, ठीक तो? नहीं बाबा साहब, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। बस क्या बताऊं बाबा, बस एक जरूरी काम से आया हुआ हूँ। बाबा कैसा काम? बाबा बस मैं वो सबके सामने नहीं बता सकता ना। आप कहें तो मैं चला जाता हूँ। नहीं बाबा, तुम तो हमारे घर के फर्द हो ना, बस बात कुछ ऐसी है कि हजार दफा सोचना पड़ता है बताने के लिए। तो अब तक आप कितनी दफा सोच चुके? 100-200 मरतबा तो बाबा सोच चुका हूँ ना, अब आगे गिनती तो मुझे आती नहीं है। कमाल है भाई, करोड़ों का बिजनेस और 200 तक बस गिनती आती है। हाँ बाबा, 200 मरतबा 100-100 गिन लेता हूँ तो काम बन जाता है ना मेरा। अरे बाबा साहब मेरे को बता दे, मेरे को राज की बात सुनने में बहुत मजा आता है। अरे बाबा बता दूंगा, बस एक मरतबा काम हो जाने दो ना। बाबा साहब आप तो सस्पेंस में डाल रहे हैं हम सबको। बच्चों मैं तुम लोगों को किसी चीज में नहीं डाल रहा, बस वक्त आने पे मैं सब कुछ तुम लोगों को बता दूंगा ना, अभी थोड़ा आराम करने दो ना मेरे को बाबा। बाबा सही है, ठीक है ठीक है, आप जाओ आराम करो, वैसे भी आप गोठ से ना इधर पैदल आए हो तो थक गए होंगे। पैदल नहीं आया मैं, गाड़ी में आया हूँ बाबा, बस मैं थोड़ा सा आराम करना चाह रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ आराम करने। अच्छा बाबा सही, आप आराम करें, काम करें, आप गेस्ट रूम में आराम करें, फिर हम बात करें। नहीं नहीं एक काम करें, गेस्ट रूम में नहीं बाबा, जरीना के कमरे में आराम करें। ठीक है बाबा, ठीक है ठीक है बाबा, वो आगे वाला है। हाँ ठीक है। बाबा चलो देखें जरा, कमरा तो सही है। आजा जरीना, तेरा कमरा है बाबा। आजाद की कते कुछ मशकूक लग रही। मौलादाद साहब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ छुपा रहे हैं आप। नहीं नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये क्या हो रहा है? मैं बिस्तर पर आराम कर रहा हूँ बाबा। चादर बिछी हुई है, चादर बिछा के मतलब कागज बिछा के आराम करेंगे क्या? देखो ज्यादा सवाल तो मत करो बाबा, जाओ जाकर तुम मेरे खाने के लिए बंदोबस्त करो कुछ ना कुछ। जाओ इधर रखो, इधर रखो, रखो इधर, जाओ बाबा जाओ 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 जाओ। राज की बात बताई नहीं? अरे बाबा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अब भूल जाओ उस बात को तुम लोग। अरे बाबा सही कैसे भूल जाए, आपने बचपन में बादाम इतने खिलाए हैं, अब कुछ भूलते ही नहीं है। अरे बाबा यही तो गलती थी मेरी। तो बाबा सही आपने कहा था ना कि वक्त आने पे बता दूंगा। हाँ हाँ बेटा, अभी भी मैं यही कह रहा हूँ कि वक्त पर बता दूंगा मैं। बस वो वक्त आपके गुजरने से पहले आ जाए। अरे बाबा तुम मेरे को क्या मारना चाहती है? नहीं नहीं बाबा, वो बात जानना चाहती है। फिर वही बात, अरे बाबा जब कह दिया कि वक्त में बता दूंगा तो बस बात खत्म। लेकिन वो वक्त आखिर आएगा कब? बहुत जल्द आ जाएगा बाबा, बहुत जल्द आ जाएगा, अब तुम लोग बस चाय वाय पियो, बिस्कुट खाओ। बाबा जानी आप भी जल्दी से खा लें बाबा, अपने गाँव वापस जाना है। तुमको किसने कहा मैं यही रुकूंगा? दाल में कुछ काला लग रहा है, बल्कि मुझे पूरी दाल ही काली लग रही है। पागल हो गया तू? ये बिस्किट तुमको दाल नजर आ रही है क्या? नहीं पीले पीले कोप वाला कोप, कोप ये 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 कोप है, ये परेशान हो गया हूँ, पीले और काले के चक्कर में कोप और कप का नहीं पता लग रहा मुझे। चलो रहने दो, जाओ चलो हटो, बाहर जाओ। नौकर इंसान, वाह भाई खाना पीने का मजा ही अलग है। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा।
अरे बाबा बाबा देख के जरीना के तो मार रही रहो गुंडो को बाबा। तुम तो चुप करके बैठो जोरू का गुलाब। अरे बाबा जोरू को नहीं मारना होता गुंडो को मारना होता है। नहीं गुंडो को मेरे सामने बाबा। और जानी ओ जानी आया सरकार आया सरकार। बात सुनो ये टीवी भी बाबा बंद करो और सब जाके सो जाओ उठो। ये गांव नहीं है लगता नींद में चलने की आदत है। आई मैं आपको छोड़ के आता हूँ। बकवास बंद करो। एक फैसला करें बकवास बंद करूं या टीवी। तुम्हारा अपना मुंह और तुम लोग क्या मेरा मुंह देख रहे हो हैं? उठो जाओ जाके सो जाओ आराम से सुबह जल्दी उठना है। बाबा साहब दिमागी मसला है ना आपके साथ चल रहा है हमारी जिंदगी अजाब नहीं करो। अरे बाबा जानी हमने जब सोना होगा सो जाएंगे आप जाकर आराम करें। बाबा वैसे तो तुम लोगों की मर्जी है देखो वैसे जल्दी सोने और जल्दी सुबह उठने से सेहत अच्छी रहे। वाह 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 क्या ख्यालात है कितनी फिक्र है आप। अरे बाबा फिक्र क्यों ना हो ये मेरी औलाद नहीं है क्या? ये पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? जानी बात सुन तू छुट्टी पे चला जा और एडवांस मुझसे ले ले और तू चला जा बस यहाँ से। अरे बाबा जानी आप क्या बातें कर रहे हैं क्यों जानी को छुट्टियों पे भेज रहे हैं? अरे बाबा मैंने क्या कोई गलत बात कह दी? अरे बाबा सही कल से बल्कि मेरा मतलब है कि अगर आज से आप खाना पीना बर्तन और सारे घर के काम संभाल रहे हैं तो मैं समझती हूँ कि आपने कुछ गलत नहीं कहा। अच्छा भाई मैं तो जा रहा हूँ सोने वैसे आप लोगों की मर्जी है लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि सुबह जल्दी उठ जाना है रात की बात जानने के लिए वरना अगर थोड़ी देर हो गई ना तो फिर मुझे नहीं कहना बाबा। सही बात है सही बात है। क्या थकी हुई फिल्म लगा के देख रहे कोई अच्छी देखो। अरे बाबा छोड़ो इसको फिल्म कम्प्लीट हो जाए फिर सोते हैं। लगता है जानी को शक हो गया है। अब ये काम जो है ना जब तक सब सो नहीं जाएंगे तब तक बेहतर हो नहीं सकता। लेकिन सोएंगे कब? अरे बाबा ये कब सोएंगे? अल्लाह सही मेरी मदद कर ये कब सोएंगे? ये मेरा मालिक मेरी मदद। अरे बाबा सही आप अभी तक जाग रहे हैं आप तो कह रहे थे आपको बहुत नींद आ रही है। अरे बाबा वो क्या है कि थोड़ी सी गैस हो रही थी तो मैं इसलिए टहल रहा था ना बाबा। ये जो हो रही है सॉलिड लिक्विड गैस ये कुछ मुझे ठीक नहीं लग रही। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे बाबा जानी तमीज से बात करो। बाबा जानी हमारे आपसे और आपकी बहन से ज्यादा तमीज से बात करता हूँ मैं इनसे। अरे बाबा हम तो कर सकते हैं मैं और जरीना ऐसे बात कर सकते हैं इनकी औलाद है बाबा जानी है हमारे बाबा। औलाद का ज्यादा फर्ज है तमीज से बात करने का। बाबा ज्यादा प्रोफेसर बनने की जरूरत नहीं है। अरे बच्चू बाबा तू भी ज्यादा थानेदार न बन मैं ठीक हूँ बस तू जा जाके सो जा। ठीक ठीक है चल बाबा जी। सब सो गए। अब ड्राइंग रूम में जाकर ये आराम से मैं काम करूंगा। सुकून है इधर यहां बैठकर मैं इसका मायना करता हूं।
बांध लिया ये, एक जरा एहतियातन एक और ले लेता हूँ। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। जानी क्या मसला है भला, आधी रात को तुमने मैं उठा के बिठा लिया और वो भी इसी कमरे में लेकर आ गए, बकवास करो, बोलो क्या मसला है। रात हो रही, सुबह हो गई अब तो। हाँ मुझे पता है, रोज होती है, लेकिन आज की सुबह कोई आम सुबह नहीं है, बड़ी खास सुबह है। मौलादात की बात भूल गए क्या आप? जानी अपनी बकवास बंद करो और असल बात बताओ, क्या मसला है? और हाँ बाबा जानी, याद रखना, अगर ये ऐसी कोई फजूल सी बात हुई ना तो ये सुबह तुम्हारी बाबा आखिरी सुबह होगी। क्या बात कर दी आपने, ऐसी खबर सुनाऊंगा ना कि सुन के आप पंखे पे जाके लगेंगे। बाबा वापस कैसे आएंगे? कौन? हम लोग। आप लोग कहीं ऊपर जा रहे हैं जो नीचे आएंगे? अरे बाबा तुमने गाना छत से लग के नीचे आएंगे। बच्चू जानी तुम लोग तो अपनी बकवास बंद करो, बताओ जानी क्या मसला है? तो सुने फिर, दिल थाम के बैठे। अब जो खबर मैं आपको देने वाला हूँ ना वो बड़ी खास है। जो नक्शा है ना खजाने का, वो किसके पास है पता? मौलाना साहब के पास। क्या? हाँ जी, देखा जानी कितनी खास खबरें लाता है। अरे बाबा बकवास बंद करो, मैंने तुम्हें कहा था अगर कोई फजूल बात हुई तो ये सुबह तुम्हारी आखिरी सुबह होगी। अच्छा ये बात है, सबूत मैं साथ रहता हूँ, कच्चा काम मैं कोई नहीं करता। ये देखो ये देखो। अच्छा ये तो मुझे वाकई कोई मैप शैपी लग रहा है। हाँ बाबा ये देखो, ये भी बना है। बस इतना काफी है। पापा मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, खजाने का आधा हिस्सा जो ना मेरा होगा, मैं पहले बता रही हूँ, अब मुझे नींद आ रही है, मैं सोने के लिए जा रही हूँ। ठीक है बजाई। इसका मतलब यह है कि उस खजाने का नक्शा वाकई बाबा जाने के पास है। और बाबा वो हमें सुबह सुबह यही बात बताने वाले हैं। मुझे तो नहीं नींद आने वाली, अब मैं तो जागती रहूंगी। बाबा मैं भी जागता रहूंगा। और मैं भी। जानी एक काम करो बाबा, तुमने उन पे अपनी नजरें रखनी। आप फिकर ना करें, मेरी औकाबी निगाहें मौलादात का ताकू करती रहेंगी। शाबाश, जाओ चाय बनाओ, सुबह सुबह उठाया तो बाबा। हाँ जाओ चाय बना दो। बाबा उस नक्शे में वाकई खजाना होगा, हम तो अमीर हो जाएंगे। क्या करना है? अरे बाबा एक घंटे के बाद कोर्टें खुल जाएंगी, फिर यहाँ से भाग जाएंगे, शादी कर लेंगे, और क्या करना है? मुझे तो शर्म आ रही है। भाई मेरी पहली बीवी जो थी ना, उसकी पहली शादी पर भी उसको इतनी शर्म नहीं आई थी। उसको प्रैक्टिस नहीं होगी ना, मेरी तो तीसरी शादी है, मुझे तो शर्माने की बहुत प्रैक्टिस हो गई है। क्या तीसरी? अरे बाबा तुमने तो कहा था कि मेरी दूसरी शादी है। हाँ हाँ जो भी है, मगर अब आखिरी है। अच्छा। कितनी प्यारी प्यारी बातें कर रही हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब चलो तो चलते हैं, बस उठो, देर नहीं करो। ठहरो। वाह बाबा जानी वाह। अरे बाबा ये छोकरी कौन है? बाबा ये तुम्हारी होने वाली माँ है। अरे बाबा सही, आपने अच्छा नहीं किया है। नक्शा ले लो। बाबा वो नक्शा कहाँ है? बाबा कौन सा नक्शा? अच्छा इसका मतलब है खजाना निकाल के शादी करके भागने का इरादा है ना? बाबा सही, आप तो बहुत खुद घर से निकले हो, अपनी औलाद का भी नहीं सोच रहे हो। और हाँ बाबा जानी, अकेले अकेले खजाना भी हड़प करना चाहते थे, और इस औरत के साथ शादी करके भाग रहे थे हमें छोड़ के। अरे बाबा कौन सा खजाना, कौन सा नक्शा, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? हैं कौन सा खजाना पागल? ये देखो ये क्या है? पागल ये देखे, ये रहा सबूत और ये रहा नक्शा। अरे बाबा दिखाओ, बाबा दिखाओ। अरे बाबा ये कोई नक्शा वक्शा नहीं है, ये तावीज है, मैंने लिया था कि बाबा से इसे शादी करने के लिए। क्या? तो आपने मुझे ये तावीज गंडे करके फंसाया है? नहीं फंसाया नहीं है, वो तावीज जो है ना वो मोहब्बत के लिए है ना। चुप करो। हाँ ये तो वाकई तावीज है। मैं जा रही हूँ। मैं आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। अरे बाबा तुम किधर जा रहे है? क्या तुम किधर जा रहे है? तुमने तो जाना है कब्रिस्तान। एक बात का ध्यान रखने का। वो क्या? कोई भी है ना उसको बोलना कि मैं नहीं आया। ठीक हो गया, मैं समझ गया। क्या समझ गया?
यही कि फिर कोई मुसीबत आने वाली है। कमाल करते हैं आप इसे बच्चों। मेरा एक और चीज करने का दिल कर रहा है। क्या? बाबा आपको मैं सोने की पाजेब पहनाऊं और फिर जब आप चलेंगी ना तो बिल्कुल भैंस की तरह लगे। तुम एक काम करो। क्या? तुम अपने शौहर को सब सच सच बता दो, फिर वो जाने और वो बदमाश बच्चों को। लेकिन उससे क्या होगा? हाँ, मेरे को कोई तंग करके तो बताए तो फिर मैं उसको देख लूंगी। तुम तो रहने ही दो जरीना, तुम्हें तो मसला इसी बात का कि तुम्हें कोई छेड़ता ही नहीं है। देखो तो बिल्ला बजा ना मेरे से योले जा रही है। उसको सब मालूम है। मतलब उसको पता है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ? तुम्हारा भी पता है, मेरा भी पता है उसको। तो पापा आप यहाँ क्यों आ गए? वो मुसीबत तो यहाँ भी अटपकेगी। चलो बला फिर ये हल्दी वाला दूध पियो आप दोनों। अरे बाबा उस टिंगू के लिए इतना इंतजाम। अरे टिंगू, नाम से ही पता चल रहा है कैसा होगा वो। बहुत बड़ा बात बोल रहे हो। सेठ साहब नाम जितना ही होगा टिंगू। अरे पापा जान आने दे, देख लेंगे कितना बड़ा बदमाश है। आप फिक्र ना करें, सीमा की तो शादी हो चुकी है, अब इन सब बातों का क्या फायदा। शादी हो चुकी है, कोई बात नहीं, मैं उसके शोहर को मार दूंगा और इस हशमत को भी। इम्प्रोवाइज़ी नहीं, मतलब क्या है बट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा।